वालेकुम मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल मुफीद बातें बताता रहता हूं तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए घंटी के निशान पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें ताकि मैं तीतर के मुतलक जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पर आप लोगों को मिल जाए तो पिछली वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को इनक्यूबेटर बनाने का तरीक़ा बताया था और उसकी टेम्परेचर किस तरह सेट करना है उसकी सेटिंग और वायरिंग के मतलब बताया था तो उसमें सिर्फ एक आधे भाई को मसला आया था तो उसको मैंने गाइड कर लिया था कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसका इनक्यूबेटर तो काम कर का रहा है तो आप लोगों में ने मुझे ये बताना है कि क्या आप भी आपने भी इनको बेटर बनाया है या नहीं बनाया या आपको भी इस सिलसिले में कोई मसला पेश तो नहीं आ रहा अगर कोई आ रहा है तो कमेंट्स में मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों के बेहतर तरीके से रनुमाई कर सकूं और आपके जो मसला है उसका हल आपको बता सकूं उसके बाद आ जाते हैं ब्रीडिंग की तरफ आजकल कल तितर की ब्रीडिंग सीजन शुरू होने वाला ही है कुछ दोस्तों के तो तित्र नण देना भी शुरू कर दिए तो इसमें अगर आप लोगों की तीतर कमज़ोर है तो आपने फौरी तौर पे उनके क्या करना है उनको कौन सी खुराक देनी है ताकि उनकी जो कमज़ोरी है ख़त्म हो जाए अगर वैसे भी कमज़ोर नहीं भी है तो फिर भी अगर आप ये चीज़ दे दोगे तो आपके तीतरों को इन फायदा ही होगा तो उसमें काफी दोस्तों से मैंने सुना है और कुछ यूट्यूबर्स भी ये बता रहे हैं के तीतरों को बाजरे में अंडा मिक्स कर दो और उसमें एक एवियान मिक्स कर दो और फिर उसको खुश कर दो खुश करके रख लो और वो तीतरों को डालो डालो तो भाई इतने लंबे झंझट में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना आपको वो कहते हैं इसका फायदा इतना उसका फायदा है नहीं जितनी आप मेहनत करते हैं ना तो इतना आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा हालांकि यही रिज़ल्ट आप बग़ैर मेहनत किए भी हासिल कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं तो मैं ये आपको बताऊंगा कि यह आपने कैसे देना है बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि एवियॉन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और अंडा भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है तीतर के लिए कोई भी जानदार है सभी जानदारों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है तो इसका देने का तरीका जो है जिस तरह आप लोगों को बताया गया है अगर आप वो करते हैं तो मेरे ख्याल में उसका इतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जितना आपको मैं आज बताने वाला हूँ और आपको रिज़ल्ट मिलेगा तो उसका तरीका ये है कि आप एवियन ले लें चार सौ मिली ग्राम वाला उसका उसकी सुई की मदद से सुई की मदद से उसमें थोड़ा सा सुराख करके उसका जो ऑयल है वो बाहर निकाल लें और निकाल के आटे में मिक्स करके गोली बना के दें और इसी तरह जो अंडा है अंडे की जर्दी सफेदी बेशक आप फेंक दें क्योंकि जो सफेदी जो होती है वो जो अंडा होता है उसके अंदर सफेदी से बच्चा बनता है और जो जर्दी होती है ये बच्चे की उस ख़ुराक के तौर पे इस्तेमाल होती है तो जो जर्दी है उसमें ज़्यादा पावर होती है तो आप उसकी जो जर्दी है वो अंडे में मिक्स करके इतनी बना लें कि आपका जो आटा है सॉरी उसकी जर्दी जो है आप आटे में मिक्स करके अपने तीतरों को दें एक गोली बनती है दो बनती है जितने भी आपके ज़रूरत है आपके तीतरों को भूख है उस हिसाब से आप खिला दें बाकी आप रख लें तो कुछ टाइम के बाद जो है वो जो बाकी मादा आटा है वो दूसरी खुराक के तौर पे आप दे सकते हैं अंडे की कोई लिमिट नहीं है ये आप चार दिन दें पाँच दिन दें दे, जितने दिन भी दें कोई मसला नहीं है बाकी अगर आप हफ्ता दे दें दे, दस दिन दे जितने दिन भी दे दें ये ताकत वाली चीज़ें तो अगर आपके तीतरों में कोई कमी वगैरह है या उनके अंदर कोई वीकनेस है तो वो इन उसकी जो है वो पूरी हो जाए पूरी हो जाएगी बाकी इनकोबेटर बनाने का तरीका जो है वो जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो उस वीडियो का लिंक जो है मैं इसी वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो अगर आप इनकोबेटर बनाना चाहते हैं क्योंकि मैं पहले भी बता चुक, कह चुका हूं कई मरतबा कि इनकोबेटर का होना ज़रूरी है अगर आप तीन तरह से ब्रीड लेने चाहते हैं तो आपके पास मुर्गी या इनकोबेटर का होना ज़रूरी है तो क्योंकि अगर मादा कूड़ा अंडों पर नहीं बैठती या अंडे तोड़ना शुरू कर देती है या आधे अंडे से बच्चे निकल आते तो फिर जो अंडे हैं आपके ज़ाया नहीं होंगे और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो वो आप उसी इनक्यूबेटर में टम्परेचर सेट करके रख सकते हो ताकि वो उसको सर्दी ना लगे तो मिलेंगे अगली वीडियो में उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़